सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करके सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है पार्ट वन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या कर लेंगे, आपको दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेना है और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से हम लोग इस वाले इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको मान लो ये आपकी इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन वाई इक्वल टू, ठीक है, लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 14 माइनस एक्स। मतलब क्या किया, और इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर थ्री, हमने y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो हमारी y की वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू। ऐसा मत करना कि फिर से ये वाली जो हमें वैल्यू मिली है ये अगेन इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देना, ये गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि इसी को तो यूज करके हमने ये कर लिया, उसके बाद आपको क्या एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y फ्रॉम इक्वेशन थ्री, ठीक है, इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू। ठीक है, अब यहां देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो y के प्लेस पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 14 माइनस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 14 माइनस एक्स और ये बराबर 4 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपकी हो जाएगी, देखो x माइनस, इसे ओपन करोगे तो आपका हो जाएगा 14 माइनस टाइम्स माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस x बराबर 4। अब ये देखो x प्लस x कितनी हो गई, तो x प्लस x दैट इज 2x, 2x इक्वल टू 14, दोनों साइड ऐड करोगे आप तो लेफ्ट साइड तो कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड आपका हो जाएगा 14 प्लस 4, मतलब कि 18। ठीक है, आपका भी 18 आएगा। अब दोनों साइड डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर x की वैल्यू जो हमें मिल गई x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब एक तो सॉल्यूशन हमें मिल गया, x की वैल्यू 9 मिल गई, अब y की वैल्यू हमें चाहिए। x की वैल्यू 9 है, इसे हम क्या कर सकते हो, यहाँ आप 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, बट सबसे अच्छा है कि आप 3 में करो, डायरेक्ट आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 putting x equal to 9 in equation number 3। ठीक है, तो y equal to 14 minus x है हमारी, y equal to 14 minus x, x की वैल्यू हमें मिली है 9, तो 9 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू आपको मिल गई 5। ठीक है, हेंस आपकी सॉल्यूशन क्या हो गई, x equal to 9 and y equal to 5। अगर आंसर में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इन दोनों में अपने एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं मतलब आपके आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल 9 प्लस 5 कितना हो गया, 9 प्लस 5 14, फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो गया, सेकंड आप 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 देख रहे हो, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है।